हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आप व्यापम की या मध्य प्रदेश की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मध्य प्रदेश का पोर्शन आता है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप एमपीजी के या फिर एमपी के बारे में फैक्ट्स को कवर करें। तो ऐसे में दोस्तों, आप वेरियस चैनल्स या फिर वेरियस सोर्सेस आप एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक मैगजीन भी एमपी की पढ़ सकते हैं, और वो मैगजीन है दोस्तों, आपको जाना है जनसंपर्क डिपार्टमेंट में और पब्लिक रिलेशंस में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जनसंपर्क डिपार्टमेंट ऑफ एमपी पे जाना है, जो कि मैंने कई पिछली वीडियोस में बता दिया है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे फैक्ट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू एमपी, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाइक दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए पॉलिटिक्स से लेके हिस्ट्री, जियोग्राफी जितना भी है सब यहाँ पे कवर रहता है। मंत्री मंत्रिपरिषद जितने भी रहता है, जो नए नए बन जाते हैं, उनसे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है ई कॉर्नर पे, अगर आप जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ई रोजगार और निर्माण रहता है दोस्तों। तो ये आपको हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम में, ये चाहे आप पीएससी लेवल की एग्ज़ाम दें या फिर कोई और एग्ज़ाम जहाँ पे एमपी या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, या फिर इससे अलग अगर जीके का भी कोई क्वेश्चन आता है, तो इस रोजगार निर्माण में सारा कवर हो जाता है। ये काफ़ी फेमस है, ये आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन भी। तो ऑनलाइन आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ऐसे आप एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों कॉमन सी बात है, आप इसे तो पढ़िए ही, इसे आप आदत अपनी बना लीजिए। उसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पे न्यूज़ लेटर्स के अलावा ई मैगजीन्स भी मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ये मंथली आता है, तो आपको हर महीने का केवल एक ओवरव्यू देख लेना है। जैसे मान लीजिए कि मई का है, तो आपको यहाँ पे वनली ऐसे जितने भी पेजेस हैं आप उनके बारे में देखिए। आपको यहाँ पे ज़्यादा अपना टाइम देना नहीं है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ओनली हेडिंग पढ़नी है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसके बारे में पढ़िए। और जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि विशेष क्या रहा और कौन कौन सी नई योजनाएं रही उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो आपका हाइलाइटेड हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी एग्जाम पे बैठे हैं, तो उससे पहले आप इन तीन चीज़ों को जरूर फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं मध्य प्रदेश की कोई अथेंटिक मैगजीन पढ़ना, तो दोस्तों इससे बढ़िया कोई भी मैगजीन नहीं है। इसका तो नाम पहले संदेश था, मुझे याद है, अब क्या नाम है ये आपको देखना पड़ेगा। ये आमुक कथा यहाँ पे लिखा है दोस्तों, तो आपको इन्हें एक्सेस करना है दोस्तों। उसके अलावा जैसा कि मैंने इस साइट के बारे में आपको पहले ही बताया है कि आप यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स देख पाएंगे, बहुत सारी जानकारी आप गैदर कर लेंगे अपने पास। तो ऐसे में दोस्तों, आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, जनगणना है, विधानसभा निर्वाचन है, जितने भी लेटेस्ट आपके पास न्यूज आएंगी, जितने भी फैक्ट्स रहेंगे, वो यहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं। तो आप इनसे भी जरूर परिचित रहिएगा दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आगे ऐसी वीडियोस और जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम रिगार्डिंग, हम लाते रहेंगे। तो थैंक्स लॉट गाइस।